गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेंथ मेजरमेंट के ऊपर। तो उसमें दो तरह के तरीके आते हैं, एक तो है डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा आता है इनडायरेक्ट मेथड फॉर द लेंथ मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है कि आपने कोई भी लेंथ लेनी है तो उस लेंथ के लिए आप क्या कर सकते हो, स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। यहां से यहां तक कितनी लंबाई है तो आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर उससे अलग इंस्ट्रूमेंट है जैसे डायमीटर निकालना है तो स्क्रू गोज का इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्रू गोज का है, एक और है जिसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। तो ये कुछ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वजह से कम लंबाई को मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हो। और इनके हम क्योंकि प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसमें हम ये स्क्रू गोज, वर्नियर कैलिपर के बारे में या स्फेरोमीटर के बारे में हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, प्लस वन में ये हमारे प्रैक्टिकल्स हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट तरीके से तो आप स्केल लेके मेजरमेंट कर लोगे, स्क्रू गोज लेके या वर्नियर कैलिपर लेके डायरेक्ट आप मेजरमेंट कर सकते हो। इनडायरेक्ट कौन सा मेथड होता है किसी की लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए? तो इनडायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला मेथड जो है दैट इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मेथड, जो फर्स्ट आपका मेथड है। और इस मेथड का आपने इस्तेमाल कहां किया हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री में। जब हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी किया तो उसमें सबसे पहले ये मेथड था, ट्रायंगुलर मेथड। जिस मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई या उसकी ऊंचाई आप पता कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर यहां पर एक बिल्डिंग खड़ी हुई है या कोई टावर खड़ा है। तो इस टावर की हाइट लेता हूं ए से लेके बी तक, और ये हाइट हमें पता नहीं है, ए से बी तक कितनी हाइट है ये हमें पता नहीं है, तो हम इसको एच मान लेते हैं। और ग्राउंड के इस टावर के नीचे से यहां पे, जहां पे ग्राउंड पे खड़ा है, वहां से लेके यहां तक की दूरी आपको पता है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है एल और यहां पे आप खड़े हैं, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी। तो मैं बिना इसके ऊपर चढ़े हुए, बिना कोई स्केल लेके मैं इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकता हूं इस मेथड से। कैसे? मैं क्या करूंगा कि जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से मैं इस बी पॉइंट को जोड़ूंगा, तो मैं देखूंगा कि जमीन से लेके यहां तक कुल कितना एंगल बना। अगर वो एंगल है थीटा तो वह पता कर लूंगा। हमारे पास एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं सेक्सटेंट, उसके इस्तेमाल करते हुए हम बता सकते हैं कि जब यहां पे सीधे यहां पे ग्राउंड से ए पॉइंट से जैसे बी पॉइंट की तरफ ऊपर की तरफ देखेंगे तो कितना एंगल वो मशीन ऊपर की तरफ उठेगी, वो एंगल बता देगी थीटा। इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल देते हैं या उन्नयन कोण भी बोल देते हैं। यहां से लेके यहां आप कितने दूर खड़े हैं ये आप स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब निकालना क्या था? निकालना था इस बिल्डिंग की हाइट। तो जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो साइड पता है उसको नीचे लिखते हैं। साइड कौन सी पता है? मान लीजिए पता है एल, तो ये नीचे लिख दिया। तो आपके पास एच अपॉन एल ये क्या बना? तो आपको पता है ये एक ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने होता है हाइपोटेनस, कर्ण। तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। या यूं समझे कि जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा लंब होती है। तो ये लंब होगी, ये आधार होगी और ये कर्ण होगी। तो हम बोल रहे हैं लंब बटा आधार, वो होता है टेन थीटा। तो आपने यहां पे लिखा टेंजेंट और ये थीटा एंगल था, थीटा लिखा, यहां से एच निकाल दिया, एच इज इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब है अगर मुझे थीटा पता चल जाए, एल का मुझे पता है, दोनों को यहां वैल्यू भर दूंगा तो मेरे पास हाइट आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड, और उसका ये मेथड था ट्रायंगुलर मेथड। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ इनअसेसिबल टावर, इनअसेसिबल। अब दूसरा मेथड जो है जो इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट, इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है या कोई पेड़ है, तो आप इससे कितने दूर खड़े हैं ये आप मेजरमेंट ना कर सकते हो। यानी इसके बीच में मान लीजिए समुद्र है, कोई नदी है, तो आप ये नहीं पता कर सकते कि आप यहां से अगर यहां पे खड़े हैं तो कितनी दूर खड़े हैं, ये मेजर करना आपके लिए मुश्किल हो। तो इस तरफ नदी के एक किनारे पे बहुत बड़ा पेड़ है
और नदी के दूसरे किनारे पे आप खड़े हैं तो ये डिस्टेंस आप मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए, इसकी हाइट मेजरमेंट करने के लिए हम बोलते हैं इनको इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट। तो कैसे करते हैं कि पहले हम जैसे मान लीजिए नदी के किनारे में खड़े हुए, आपने ऊपर की तरफ देखा तो आपका कितना एंगल बना, दैट इज कॉल्ड अल्फा। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है ये पता नहीं है, तो आप इसको मान लेते हैं कि ये लेंथ जो थी यहां से यहां तक एल थी। मेजरमेंट नहीं किया आपने, आपने ऐसे अनुमान लगाया कि मान लीजिए एल है। तो फिर आप क्या करेंगे, एक बार यहां से अब जो आपने ट्रायंगुलर मेथड लगाते थे उसमें जो साइड आपने निकालनी होती थी उसको ऊपर लिखते थे, अब निकालनी आपने हाइट है, और जो आपको साइड पता होती थी उसको आप नीचे लिखते थे। यहां पे ये साइड पता थी तो इसको आपने नीचे लिखा, लेकिन यहां पे ना तो आपको एच पता है ना तो आपको एल पता है, यहां दोनों ही पता नहीं है। इस केस में आप उल्टा करेंगे, आप यहां लिखेंगे एल अपॉन एच। तो इस ट्रायंगल में इस्तेमाल करते हुए जब एल अपॉन एच लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बेस बटा परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब, टेन का उल्टा कोट। तो आप यहां लिखेंगे कोट अल्फा इज इक्वल टू एल बटा एच, ये इक्वेशन नंबर वन आ जाएगी एल बटा एच। उसके बाद आप क्या करेंगे, जहां आप खड़े थे वहां से आप थोड़ा सा पीछे आ गए, मान लीजिए डी पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को आपने फिर से बी पॉइंट के साथ जोड़ दिया, और मान लीजिए अब एंगल हो गया यहां पे बीटा, क्योंकि आप जितना पीछे जाओगे उतना एंगल छोटा होता चला जाएगा। और ये आप कितने पीछे आए ये तो आप मेजर कर सकते हैं, मान लीजिए आप कितने पीछे आए डी, क्योंकि जहां आप खड़े थे वहां से आप कितने पीछे आते हैं वो तो आप मेजर कर सकते हैं। तो आप ये डी मीटर मान लीजिए पीछे आ गए, अब एंगल बीटा बना। अब बड़े ट्रायंगल को देखें ए बी डी, फिर से आपको ये रकम जो है नीचे वाली एल प्लस डी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एल प्लस डी डिवाइडेड बाय एच करो तो आपके पास आएगा कोट बीटा। तो आप लिखेंगे कोट बीटा इज इक्वल टू एल प्लस डी डिवाइडेड बाय एच नंबर दो। फिर आप नंबर दो इक्वेशन से नंबर वन इक्वेशन को माइनस कर दीजिए तो आपके पास आएगा कोट बीटा माइनस कोट अल्फा इज इक्वल टू एल प्लस डी डिवाइडेड बाई एच माइनस एल बटा एच। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, ए प्लस बी एच है तो ऐसे लिख सकते हैं एल बटा एच लग लिख दो, डी बटा एच लग लिख दो, और ये माइनस एल बटा एच लिख दीजिए। ये लग लग कर दिया एल बटा एच डी बटा एच प्लस ऐसे। अब यहां से एल ओवर एच और एल ओवर एच ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कट गए तो आपके पास क्या बचा, आपके पास आया कोट बीटा माइनस कोट अल्फा इज इक्वल टू डी अपॉन एच। निकालना क्या था आपने एच, एच को इधर ले आए तो आपके पास फार्मूला क्या बन गया, आपके पास फार्मूला बना एच इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ बीटा माइनस कॉट ऑफ अल्फा। तो आपने देखिए इस ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल ली, एच निकाल लिया, क्या क्या जरूरत पड़ी आपको, एक एंगल अल्फा की और एक एंगल बीटा की और एक डी की। यानी आप जब ये नदी की इस साइड खड़े थे तो कितना एंगल बन रहा था, जब पीछे खड़े हुए तो कितना एंगल बन रहा था, और आप कितने पीछे गए डी, उसकी जरूरत पड़ी, इस एल की जरूरत कहीं नहीं पड़ी फॉर्मूले में, हाइट निकालने के लिए एल की कहीं जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारे पास दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है टू मेजर द हाइट ऑफ एन इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलेक्स मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैरेलेक्स होता क्या है। तो आप अपने हाथ में पेन लीजिए और अपनी आंखों के सामने रखिए थोड़ी दूर, और अपनी बाईं आंख बंद कर दीजिए, दाहिने आंख से दाईं आंख से आप उस पेन को देखिएगा, उसके बाद आप दाईं आंख को बंद कर दीजिएगा, बाईं आंख को खोलिएगा, तो आप क्या देखेंगे कि जो पेन जो है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। ये जो रिलेटिव शिफ्ट है इन द पोजीशन ऑफ द पेन विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, इट इज कॉल्ड पैरेलेक्स। और आपकी लेफ्ट आई और राइट आई के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बेसिस। और हमारी दोनों आंखों के द्वारा किसी भी बिंदु पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एंगल बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं पैरेलेक्टिक एंगल। द रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द पेन विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड
व्हेन वी सी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट आई इज कॉल्ड पैरेलेक्स। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने लेफ्ट और राइट आई से देखते हैं, पहले लेफ्ट आई से देखते हैं फिर लेफ्ट को क्लोज कर देते हैं राइट आई से देखते हैं, तो जो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे होते हैं उसकी पोजीशन में चेंजिंग आ जाती है। वो जो शिफ्ट होती है हम पोजीशन उसकी बॉडी की, उसको हम बोलते हैं पैरेलेक्स। और यहां पे देखिए, मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपकी लेफ्ट आई और ये राइट, ये आपकी एक आंख है और दूसरी आंख है, तो दोनों आंखों के बीच की जो दूरी है दैट इज कॉल्ड बेसिस, बेसिस और उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों आंखों के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे बनाया गया एंगल, तो मैंने यहां से एक लाइन खींची, यहां से एक लाइन खींची, तो ये जो एंगल बना थीटा, इस एंगल को बोलते हैं पैरालेक्टिक एंगल। अब हमने अगर थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमने एक बात पढ़ी हुई थी कि अगर एक सर्कल है और उस सर्कल का ये सेंटर है और यहां से लाइन खींची दैट इज कॉल्ड रेडियस, और एक लाइन मैंने इधर खींची ये भी रेडियस होगा, तो ए पॉइंट इसको बोला, इसको बी पॉइंट बोला, ए से लेके बी तक की लंबाई को मैंने एल बोला और ये एंगल बोला मैंने थीटा। तो ये थीटा एंगल कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क, ये बोलते हैं आर्क, आर्क यानी चाप, ए बी, ए बी की लंबाई कितनी है एल डिवाइडेड बाई आर, तो ये लंबाई बटा रेडियस थीटा के बराबर होता है। तो चाप बटा रेडियस, चाप बटा त्रिज्या बराबर है कोण यानी एंगल। तो अगर ये जो फिगर आपके पास नजर आ रहा है, अगर मैं इसको भी एक सर्कल बना दूं, अगर इसको मैं इस तरह से एक सर्कल बना दूं, इस तरह से बड़ा सर्कल, और ये सर्कल का सेंटर है, तो ये रेडियस हुआ, ये आर्क हुई, तो आर्क बटा ये किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। तो यहां पर थीटा निकलेगा आपका इस फिगर से, थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एस। अब लेफ्ट और राइट आई के बीच का डिस्टेंस आपको पता होगा बी, थीटा एंगल ये भी पता होगा, तो एस जो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, एस को इधर ले जाओ, थीटा को यहां ले आओ, एस इक्वल टू बी अपॉन थीटा। सो व्हाट इज एस, एस इज द बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर आई, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये जो पैरेलेक्स मेथड है इससे हम फाइंड आउट करते हैं द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड स्टार्स फ्रॉम अर्थ, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं एक नियर बाई स्टार का बाय यूजिंग पैरेलेक्स मेथड। मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ है और इस अर्थ के एक नजदीक एक स्टार है ओ पॉइंट पे, हमने इस स्टार का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अर्थ से इसकी दूरी कितनी है, ये एस निकालना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम यहां पे अपनी आंखों का इस्तेमाल करें, जैसे हमने पहले लेफ्ट और राइट आई का इस्तेमाल किया, तो हमारी आंखों के बीच की दूरी इतनी कम है कि उसके द्वारा इस स्टार के ऊपर बनाया गया एंगल बहुत छोटा होगा, क्योंकि आंखें तो बिल्कुल छोटी सी होंगी, दोनों की दूरी बड़ी नजदीक होगी, तो दोनों से अगर यहां पर लाइन खींचें तो एंगल जितना छोटा होगा कि उसका मेजरमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमने अर्थ पे ही दो जगह पे हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट रख लिए, एक पॉइंट हमने यहां रखा इसको ई वन बोला, एक पॉइंट ये रखा ई टू रखा। इस ई वन और ई टू की बीच की जो दूरी है इस अर्थ में यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको लगभग हमने बी मान लिया, सीधी लाइन खींच दी, उसको मैंने बोला बेसिस, जैसे दोनों आंखों के बीच की दूरी होती है वैसे इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी को बी बोल दिया। अब हमने निकालना है एंगल थीटा, जिसको आप बोलते हैं पैरालेक्टिक एंगल। अब कैसे निकलेगा, क्योंकि पहले तो यह था कि हमने पहले लेफ्ट आई क्लोज की और राइट आई क्लोज की, क्योंकि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को का पैरालेक्टिक एंगल निकालना चाहोगे तो पहले लेफ्ट आई को क्लोज करोगे, फिर उसको ओपन करोगे, फिर राइट आई को क्लोज करोगे, ठीक है, तो पहले लेफ्ट और राइट दोनों से बार बार देखोगे तब एकदम आपको एंगल आ जाता है आपका। यहां पे ये मुश्किल है क्योंकि पहले ऑब्जर्वेशन आप यहां से करेंगे, फिर जाके आप ऑब्जर्वेशन यहां से करेंगे, तो ये पैरालेक्टिक एंगल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक इससे काफी दूर एक स्टार मान लेते हैं, ये नजदीक का स्टार है, नियर बाय स्टार है, एक और हम स्टार कंसिडर करते हैं जो इससे काफी दूर हो। तो मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस स्टार है यहां पे ऊपर ये, तो जो दूर स्टार जो होगा ना वो यहां से भी ऊपर दिखाई देगा और यहां से भी आपको ऊपर दिखाई देगा। आप समझ सकते हैं कि जैसे ये स्टार जो है, ये स्टार जो है, मान लीजिए इस स्टार को अगर मैंने नाम दिया ओ डैश,
तो यहां जो आदमी खड़ा है उसको अपने सर के ऊपर दिखाई देगा ये स्टार, उसी तरह से यहां E2 पे जो है उसको भी ये स्टार यहां पे दिखाई देगा O डैश। कैसे? जैसे चांद की बात है कि अगर आप यहां पे खड़े अपने घर पे और अपने घर में बाहर देखते हैं रात को चांद, तो आपको ऊपर दिखाई देता है, और आपके यहां से काफी दूर किसी दूसरी कंट्री में आपका कोई रिश्तेदार है वो भी तब देखता तो उसको भी चांद दिखाई देता है, उसको भी अपने ऊपर दिखाई देता है, जो बहुत दूर स्टार है वो उसको ऊपर नजर आएगा। तो जो E1 पे पॉइंट पे जो आदमी बैठा हुआ है वो पहले क्या करेगा, स्टार को देखेगा। तो मैंने एक लाइन यहां से ऐसे जोड़ दी, मान लीजिए स्टार के साथ जुड़ गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये देखा, उसके बाद फिर मैंने जो मशीन थी जिससे मैं देख रहा था उससे फिर मैंने इस तरफ मुड़ा और स्टार को देखा। तो जैसे वो टेलीस्कोप, मान लीजिए टेलीस्कोप मैंने लिया और इस तरफ घुमा दिया और इसको देखा, तो ये कितना एंगल मुड़ा यहां से यहां, उस एंगल को मैंने बोल दिया फाइ वन, कुछ भी ले सकते हैं थीटा वन वगैरह, फिर मैंने फाइ वन लिख दिया। उसी तरह से यहां जो व्यक्ति है उसने भी पहले क्या करना है, पहले स्टार को देखा, उसको ऊपर दिखाई दे रहा है, उसके बाद उसने इस स्टार को देखना जिसके हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पहले डिस्टेंस वाला स्टार देखा फिर नियर बाय स्टार देखा कितना मुड़ा वो इस साइड, उसको बोल देते हैं फाइ टू, ये फाइ टू एंगल मुड़ा। फिर हमने क्या किया, इस स्टार से अगर एक मैं लाइन खींचू ऐसे करके तो आपको लगेगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं और इनको ये एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल रे इसको यहां से काट रही है। तो हमने टेंथ में पढ़ा था कि दो स्ट्रेट लाइन जो हैं, जो समानांतर रेखाएं जो हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा तिरछी रेखा ऐसे काटती है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। उसी चीज का इस्तेमाल करते हुए यहां पे एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम होंगे। उसी तरह से ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा फाइव टू। अब हमें फाइव वन भी पता चल गया, फाइव टू पता चल गया, तो टोटल एंगल कितना हुआ दोनों का जमा। तो टोटल एंगल अगर मैं बोलूं थीटा है तो थीटा किसके बराबर आया, थीटा आया फाइव वन प्लस फाइ टू के बराबर। अब यहां पे आप फिर से जो हमने पैरेलेक्स मेथड लगाया था बी बटा एस इक्वल टू थीटा लिखते थे हम, और फिर से हमने एस निकाला था, ये निकाला था एस इज इक्वल टू बी बाय थीटा। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला था एस इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, इस केस में आएगा एस अप इक्वल टू बी अपॉन, और थीटा किसके बराबर है फाइ वन प्लस फाइ टू, तो आप आंसर निकाल लोगे। देखिए यहां पे ये बी जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वेटरी पॉइंट एंड फाइ वन प्लस फाइ टू जो है दिस इज द एंगल दैट इज कॉल्ड पैरेलेक्टिक एंगल। तो ऐसा आपने निकाल लिया यहां से आपका स्टार जो है वो कितनी दूर है। तो इस तरह से आप जो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस्ड स्टार जो है या नियर बाय स्टार जो है उनका आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और मेथड है इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन मेथड या इको मेथड। इको क्या होता है कि जब भी आप किसी बड़े हॉल में जोर से अपनी ताली बजाइए तो आपको थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि आवाज जो है हॉल की दीवारों से टकरा के आपको फिर से सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड इको। सो इको इज द रेपिटेशन ऑफ द साउंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड बाय द लार्ज एंड हार्ड ऑब्स्टेकल। अगर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और इधर से साउंड जाती है तो पहाड़ से टकरा के, मान लीजिए यहां पे कोई बहुत बड़ा माउंटेन है और इधर आप खड़े हैं और यहां से आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी साउंड जाती है यहां पे स्ट्राइक करती है और थोड़ी देर के बाद ये वापस आती है और आपको फिर से सुनाई देती है। तो ये जो साउंड का रेपिटेशन होता है फिर से आपको सुनाई देती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये गई इंसिडेंट हुई यहां से रिफ्लेक्ट होके आई, इसको बोलते हैं इको। तो इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस तरह से करते हैं और इसके लिए हम दो तरह के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, एक का नाम है रडार और एक का नाम है सोनार।
रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और दूसरा है आपके पास सोनार। सोनार की फुल फॉर्म जो है वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड एन से बना नेविगेशन एंड रेंजिंग, इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। तो आप देखिए किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं रडार और सोनार को। या उससे पहले हम बात कर रहे हैं इको मेथड की, कि इको मेथड से हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं थिकनेस ऑफ द किसी मैटर्स की सीट का या कोई पहाड़ी की दूरी का कैसे पता करेंगे। देखिए यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है, इसने ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस की, वो इस डायरेक्शन में गई, यहां से यहां आके टकराई, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड साउंड ऐसी आई। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि साउंड हमें कितनी देर के बाद सुनाई दी। जब हमने साउंड प्रोड्यूस की तो मैंने घड़ी ऑन कर दी, मान लीजिए कि घड़ी के 3 सेकंड के बाद ये साउंड हमें फिर से सुनाई दी, तो इसका मतलब साउंड को यहां से यहां जाना और वापस आने में कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। यहां जाना और वापस आने में 3 सेकंड लगे, तो एक साइड जाने में कुल कितना टाइम लगा, 3 का आधा यानी 1.5 सेकंड, यानी 1.5 सेकंड इधर लगा, 1.5 सेकंड इधर लगा। तो हमें इसका यह पता चल गया कि जो साउंड जो है उसको यहां से यहां आने में 1.5 सेकंड लगता है। तो हमने निकालना क्या था, डिस्टेंस। अब हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ स्पीड इंटू टाइम। जो साउंड है उसकी स्पीड जो है उसको हम लिखते हैं वी, वेलोसिटी, और हमें पता है 332 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड और साउंड पता है। टाइम का हमें पता चल गया 3 सेकंड, तो मैंने यहां 3 सेकंड लिख देना, सॉरी 1.5 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड तो आने जाने में एक साइड का। तो अगर मान लीजिए 3 सेकंड की जगह यहां लिखूं मैं टी सेकंड, कि इसको जाने और आने में कितना टाइम लगता है, टी सेकंड, तो एक साइड कितना लगेगा, टी का आधा, तो आप लिखेंगे टी बाई टू। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आ गया वी इंटू टी बाई टू। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड दैट इज कॉल्ड इको मेथड। इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम रडार का इस्तेमाल करेंगे और सोनार का इस्तेमाल करेंगे। इन केस ऑफ द रडार हम क्या देखेंगे, रडार में इस तरह की एक डिश लगी हुई होती है, जैसे आपके घर में टीवी के लिए डिश एंटीना लगाया होता है वैसे डिश होती है ये। और आसमान में जब भी किसी दुश्मन का, मान लीजिए एरोप्लेन आ गया अपने हवाई क्षेत्र में, तो हम क्या करेंगे, यहां से रेडियो वेव्स भेजते हैं। रेडियो वेव्स जाएंगी यहां से और उस हवाई जहाज के मेटल सरफेस से टकराएंगी और टकरा के वापस आएंगी। तो ये जाएंगी और यहां से टकरा के वापस आएंगी। तो जब मैंने इनको भेजा और जब ये वापस मेरे को मिली तो कुल कितना टाइम लगा, जब टकरा के वापस आई तो कुल कितना टाइम लगा, मान लीजिए टाइम लगा टी। तो इसका मतलब जाने और आने में कुल टाइम टी लगा, तो एक साइड की तरफ कितना टाइम लगेगा, इसका आधा, टी बाय टू जाने में, टी बाय टू आने में। तो हमें टाइम पता चल गया, जितना दूर होगा उस हिसाब से हम टाइम निकाल लेंगे। रिसीवर में यह हमारे पास सारा डिटेल में आ जाएगा, स्क्रीन में हम देखते रहेंगे। तो अब यहां पे हम फिर से डिस्टेंस निकालना, तो यही फार्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, तो जो रेडियो वेव्स हैं उनकी स्पीड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियो वेव है या लाइट वेव है उनकी स्पीड को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो साउंड है उसकी स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियो वेव थी तो लिखा सी इंटू, और टाइम अगर आने जाने में टी लगा है तो एक साइड कितना लगेगा, टी बाई टू, बस ये भर देंगे आपका डिस्टेंस यहां से निकाल लेंगे। तो रडार से हम इस तरह से डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कोई प्लेन जो है वो हमारे जमीन से कुल कितनी दूरी पे मूव कर रहा है। उसके बाद एक और मेथड जो है दैट इज हम बोलना सोनार। सोनार में क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक शिप है जो समुद्र में चली हुई है, और ये शिप है और समुद्र की गहराई कितनी है, ये है लिखा हमने डी। तो अगर ये डिस्टेंस हमने निकालना हो, हमें पता नहीं है हमने निकालना हो, या मान लीजिए कि यहां पे आगे कोई पहाड़ी है समुद्र के अंदर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे पहाड़ी है, पानी यहां पे कम है, इस एरिया में पानी कम होगा, यहां पानी गहराई ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं,
कि इसके अंदर एक मशीन है जिसको हम बोलते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग उसका इस्तेमाल करते हैं। और हम क्या करेंगे, यहां से साउंड को भेजेंगे नीचे, नीचे जाके वो टकराएगी, टकराने के बाद वो जब वापस जाएगी ऊपर की तरफ जाएगी, तब तक जहाज थोड़ा सा आगे चला गया होगा, तो ये हमें फिर से ऊपर यहां पे जाके मिलेगी। तो इसके आने और जाने का टाइम नोट कर लेंगे, हमारे पास तो कुल टाइम आएगा, टोटल टाइम आया जैसे 6 सेकंड, तो इसका मतलब जाने में 3 सेकंड लगे, 3 सेकंड वापस आने में लगे, वही यानी कि अगर टी टाइम लगता है तो डिस्टेंस आप निकाल लोगे। फॉर्मूला सेम यही है, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, और यहां पे लिखेंगे वी इंटू टी बाई टू। वी क्यों लिखा, क्योंकि साउंड की बात है, साउंड की स्पीड वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी इंटू टी बाई टू। तो इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जब ये मान लीजिए ये आपका शिप यहां पे पहुंचेगा, तो देखिए यहां पे जब ये साउंड ऐसे सिग्नल भेजेगा तो यहां पे जल्दी पहुंचेगी, और यहां से एकदम जल्दी यहां पे, तो यहां पे आने जाने में टाइम कम लगेगा, तो पता चल जाएगा यहां पे कि यहां पे जो डिस्टेंस कम है, यहां पे अर्थ नजदीक है, समुद्र के नीचे नीचे जमीन जो है नजदीक है, यहां पे गहराई नहीं है और यहां पे ज्यादा गहरा है, क्योंकि यहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस तरह के तरीके से हम आइडिया लगा लेते हैं कि शिप में समुद्र में जब चला हुआ है तो आगे बिल्कुल प्लेन है, गहरा है, या आगे कोई पहाड़ी वगैरह तो नहीं है जिससे हमारे शिप ने टकरा जाए। तो इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सो दीज आर ऑल्सो इनडायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस। एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं लेजर मेथड, की बेसिकली फुल फॉर्म क्या होती है, एल से बनता है लाइट, ए से बना एम्प्लीफिकेशन, बाय एस से बना स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर की फुल फॉर्म हुई लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इस लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम यही फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला सेम यही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो लेजर जो है लाइट है, तो लाइट की स्पीड को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइट को आने और जाने में कुल कितना टाइम लगा वो नोट करेंगे, उसका आधा कर देंगे। मान लीजिए कि यहां से हम लेजर लाइट को चांद पे फेंकते हैं, तो जैसे मैंने टॉर्च ली और चांद के ऊपर फेंका, तो लाइट चांद पे गई और वहां से टकरा के वापस आई, जब मेरी आंखों में गिरेगी तो मुझे कितना टाइम के बाद वो लाइट दिखाई दी। अगर मुझे मान लीजिए 4 सेकंड के बाद लाइट दिखाई देती है, तो इसका मतलब है लाइट को जाने में 2 सेकंड लगे और 2 सेकंड आने में लगे, तो मैं यहां पे 4/2 करूंगा, यानी कि 2 सेकंड, 4/2 यानी 2। और स्पीड मेरे को पता है लेजर की स्पीड जो है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड है, जो लाइट की स्पीड होती है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हम मून का डिस्टेंस जो है अर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लेजर मेथड।